हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं आकाश आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब के चैनल एडिट एग्जाम में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने चुराई हुए फ़ोन या फिर अपना फ़ोन कहीं पर गुम हो गए, कहीं पर अपने रख के छोड़ दिए और भूल गए कि कहाँ फ़ोन रखा है, तो इस केस में आप इस ट्रिक को यूज़ करके अपने फ़ोन को ईजिली ढूंढ सकते हैं। और अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है और आप उसे वापस लेना चाहते हैं या फिर उस फ़ोन को डेड करना चाहते हैं, यानी कि उसको पूरा पूरी तरीके से लॉक करना चाहते हैं, यानी कि कोई उसे यूज़ ना कर पाए, तो इन उस केस में भी आप इसे यूज़ इस ट्रिक को यूज़ करके अपने फ़ोन को बचाए या फिर उसे कोई यूज़ ना कर पाए ऐसा फ़ोन उसको आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा इसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दे, और नोटिफिकेशन को यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके ऑन कर दे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये इस ट्रिक में थोड़ी कंडीशन है जो कि आपके मोबाइल में होगी तो ही वो आप मोबाइल अपने मोबाइल को पूरी तरीके से आप अपने बचा पाएगी या फिर अपने मोबाइल को आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो मानो कि सबसे पहले तो आप बात करते हैं कि अगर आपका फ़ोन गुम गया है तो उसे आप कैसे अपने पास ले सकते हैं, यानी कि सबसे पहले तो आपको फ़ोन गुम हो गया है तो पहले तो एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करवा लो, क्योंकि अगर कहीं पर दूसरा कोई यूज़ करेगा तो आप अपने फ़ोन को कोई यूज़ करेगा तो IMEI नंबर से आप उसे बचा सकते हैं, और अपने सिम कार्ड को यानी कि पूरी तरीके से बंद करवा लो अगर आप यह नहीं करना चाहते हैं। यह करना एक अच्छी बात है, अगर आप कर ले तो अच्छी बात है। और एक और ट्रिक है जो आप अपने खुद से यूज़ कर रहे रहेंगे, तो उससे पहले थोड़ी कंडीशन में आपको बता देता हूँ। उस कंडीशन में सबसे पहले तो अपने मोबाइल में GPS ऑन होना चाहिए, हमेशा अपना GPS ऑन होना चाहिए, और हमेशा एक अपना एक जीमेल आईडी हो, मानो कि आपके जितने भी आपके पास मोबाइल हो, एक मोबाइल हो तो उसमें भी एक जीमेल आईडी हो, उसका आपको ऐसा ईमेल अकाउंट बनाओ कि उसमें आपका जो आपका पासवर्ड आपको पता हो और उसका ईमेल आईडी आपको पता हो, और उसमें साइन का ऑप्शन भी ऑन हो। तो ये सब आपके मोबाइल में सेटिंग होना चाहिए। पहला तो GPS ऑन होना चाहिए और अपने मोबाइल में साइन ऑन होना चाहिए, और हो सकता है तो अपने मोबाइल में मोबाइल डेटा भी अपने ऑन करके रखो तो बेहतर है, तो क्योंकि मोबाइल डेटा से जल्दी हो जाएगा। तो ये सब सारी कंडीशन आपके मोबाइल में अगर ऑन होगी, यानी कि GPS और वैसे ऑन होगा तो ही आप ये ट्रिक को यूज़ कर पाएगी। अगर आप ये ऑन नहीं रखते हैं तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि ये अपने मोबाइल में हमेशा ऑन रखें, क्योंकि उसके बिना तो आपका मोबाइल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो मोबाइल को रिस्टार्ट कर देगा या फिर अपने मोबाइल को फॉर्मेट करेगा। अगर आपका जीमेल आईडी होगा तो वो सबसे पहले आपको FRP आएगा, वो FRP भी अभी बाईपास हो रहा है तो वो तो मोबाइल चलाई गई या समझो। तो ये सब GPS तो हमेशा रखो अपने मोबाइल में। तो अब बात करते हैं ट्रिक के बारे में, तो ये सब अपने कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे मोबाइल रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर। मोबाइल रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर चलने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताना, और वीडियो को स्क्रीन पसंद लगी या फिर क्या उसको बुरा लगा वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बता सकते हैं। तो चलिए रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम हमारे यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है तो आप सबसे पहले अपने जीमेल अकाउंट को या अपने पासवर्ड को याद कर ले, और आपको याद होना ही चाहिए, ये ज़रूरी है। और तो आप सबसे पहले अपने डेस्कटॉप या फिर अपने दोस्त के कोई किसी का मोबाइल 2 मिनट के लिए ले लो, अपने चाहिए तो डेस्कटॉप भी आप ये ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर लिख लेना है। यहाँ पे आप डिवाइस मैनेजर या फिर फाइंड माई फ़ोन ऐसा कुछ आप सर्च करोगे फिर भी आपके मोबाइल में होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल पे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आ चुका है कि फाइंड माई डिवाइस। तो यहाँ पे सबसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट डालना आएगा। तो आप मैंने पहले बोला था कि आपको जीमेल अकाउंट में से आपको याद होना चाहिए जीमेल आईडी और पासवर्ड। तो यहाँ पे देखिए मैंने आ चुका है, और यहाँ पे आपको अपना जीमेल अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, जीमेल अकाउंट और अपना पासवर्ड जो है यहाँ पे वो लॉगिन करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको स्किप कर दूंगा, और यहाँ पे देखिए पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे पासवर्ड को डाल के भी आपको लॉगिन कर लेना है। जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ देखिए इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड योर डिवाइस, यहाँ पे बाय यूजिंग द सर्विस, यहाँ पे ये एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे मेरे फ़ोन में है, तो यहाँ पे देखिए मेरे फ़ोन में यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लोकेशन भी दिखा रहा है, लास्ट सीन जस्ट नाउ, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज भी दिखा रहा है 32, एंड कौन सा सिम इसमें लगा है तो वो भी दिखा रहा है, जियो से जियो
तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साउंड यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, सिक्योर डिवाइस कर सकते हैं और इरेस डेटा भी कर सकते हैं। मानो अगर आपका फ़ोन गुम हो गया है यानी घर में गुम हो गया है तो आप उसे ढूंढना चाहते हैं और प्ले साउंड करोगे तो उसमें एक रिंग बजेगा, तो उसे भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। यानी इरेस डेटा अगर आपका फ़ोन प्ले साउंड में अगर करोगे, अगर आपका फ़ोन साइलेंट पर होगा फिर भी उसमें साउंड बजेगा, कोई भी मानो कि सब म्यूट होगा फिर भी उसमें साउंड बजेगा। और यहाँ पे सिक्योर डिवाइस में करेंगे देखिए तो आपका पूरा फ़ोन लॉक हो जाएगा और ये लॉक वहाँ पे ही खुलेगा, यानी कि आपके सर्विस सेंटर पे जाओगे तो ही उसे ओपन होगा या फिर आपके पास दोनों में से एक ही पास ओपन होगा। अगर वो सर्विस सेंटर पर या जाएगा तो उससे बिल मांगेंगे, उसके पास बिल होगा नहीं तो वो ईजिली पकड़ा जाएगा। और आपके पास अगर आपको मिल जाता है अगर किसी का किसी तरीके से, तो आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे इरेस डिवाइस मानो कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कभी जो तुम्हारा फ़ोन गुम हो गया है मिलने ही नहीं वाला है, तो यहाँ पे इरेस डेटा करके अपने जो भी डेटा हो उसको इरेस कर देंगे तो पूरा इरेस हो जाएगा और फ़ोन एकदम क्लीन हो जाएगा, आपका कोई भी प्राइवेट डेटा उसको उसके पास जाएगा नहीं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखिए मेरी लोकेशन भी आपको कुछ यहाँ से दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर पूरा गूगल मैप है तो लोकेशन दिखा रहा है। यहाँ पे आप रिफ्रेश करके अपने चेक कर सकते हैं कि अगर लोकेशन किसी ने चेंज किया हो तो यहाँ पे, और एक बार प्ले साउंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी मेरे साउंड में प्लेन हुआ क्योंकि ये ईमेल आईडी है, यह मेरी ही ईमेल आईडी है और यहाँ पे मेरे मोबाइल में बज रही है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के जल्द से शेयर कर देना, और कोई डाउट हो या फिर कोई मुझे सजेशन या फिर कोई भी बातचीत करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताना, मैं जल्दी से उसका रिप्लाई करूँगा। और यार सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जल्दी ही हमारे चैनल पे 1K होने वाले हैं, तो जल्दी से आप 1K करवा दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।